इस वक्त आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ है और पूरे अमेरिका में मेरे ख्याल में इस तरह का शहरी नाइट का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। देखें भाई, हज़ारों लोगों के लिए शहरी का एहतमाम किया है तो उसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है और इसके साथ यहाँ छोटी सी मीना बाजार सजाई हुई है। मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं। तो चाय का बंदोबस्त मतलब स्पेशली किया गया। ठीक है भाई, चले। और अब देखें लाइनें लंबी होती जा रही हैं। लास्ट ईयर भी हमारे पास इतने लोग थे ना, 5000 प्लस लोग थे। हमारे पास एक्चुअली ऑलमोस्ट 10,000 पीपल का खाना रेडी है। अच्छा, तो यहाँ पर इतनी पार्किंग हुई थी ना लोगों ने कि हमारे पास पुलिस सिक्योरिटी, अभी 5 to 10 सिक्योरिटी गार्ड मंगवाए कि पुलिस डिपार्टमेंट से। बस यहाँ ज़्यादा मज़ा आता। क्यों? बस यहाँ पे डॉलर्स मिलते हैं ना, यहाँ पुरियाँ वगैरह बन रही हैं। सवाक से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है पाकिस्तानी करेंसी में। Watch Intiaz Chandia's vlogs, it's really good. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? रमज़ान शरीफ की सीरीज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज बहुत ज़बरदस्त दिन होने वाला है। आज रात होगी फ्री सहरी नाइट और इतनी बड़ी सहरी होती है शायद, जिसके लिए बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। हाईवे पर लंबी गाड़ियों की कतारें लगती हैं। पहली बार हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, तो ज़बरदस्त किस्म का आज व्लॉग होगा। तो इसको पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट अपनी जारी रखें। थोड़ी देर में जैसे ही हमें इफ्तारी का टाइम ख़त्म होगा उसके बाद हम जाएंगे रात के टाइम पर और ये फिर देर तक चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी शहरी जिसको कहते हैं ना ग्रैंड शहरी, वो अमेरिका पूरे में शायद नहीं हो रही होगी जितनी यहाँ शुगरलैंड में होती है। इसको देखने का मौका मिलेगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो थोड़ी देर के बाद हम चलेंगे हाईवे 6 पर, तब तक वेट करें और व्लॉग पूरा देखें। तो अब मैं आ चुका हूँ हाईवे 6 के बिल्कुल बराबर में, बड़े रेस्टोरेंट के बाहर जो है ना एहतमाम किया गया है फ्री सहरी का। तो इसको कहेंगे सहूर नाइट और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी एक सहरी का जो है ना एहतमाम किया गया है। तो देखेंगे माहौल कैसा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाहर जो है ना इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, चेयर्स लगाई हुई हैं, टेबल्स लगाई हुई हैं और अभी से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है। तो बाकी रश तो बहुत हो जाएगा और देखेंगे यहाँ कैसे होती है सहरी और फ्री सहूर। भाई यहाँ लोग खाने आए हैं। हाईवे 6 से गाड़ियाँ अंदर टर्न करके यहाँ आ रही और ये पार्किंग फुल होना शुरू हो चुकी है। यहाँ कपड़े सेल किए जा रहे हैं और इस तरफ जो है ना ताम और क़याम का बंदोबस्त किया जा रहा है। यहाँ सारे खाने वगैरह जो है ना वो लगाए जा रहे हैं, जैसे बुफे होता है इस तरह से। जो है वो इंतियाज़ चांदिया भाई हैं जो अपने व्लॉग्स में जो है वो हमें नहीं लेते पर हम इनको नहीं आपको मैं आपने मैं आपको टैग कर सकती हूं। हाँ हाँ करे करे देखते हैं ये क्या है। अभी 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 तक ये सर्विंग मेन्यू सरप्राइज है। अच्छा जी, तो सुबह तक ये वीडियो कल आएगी, क्या सरप्राइज रहेगा? आपकी समझ में आएगी, हमें खुद भी नहीं पता है कि मेन्यू क्या है। वी आर जस्ट वॉलंटियरिंग। तो कितने लोगों का वैसे होता है? हर साल करते हैं? हर साल कितने सारे लोग आते हैं? दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 5,000 मतलब ऐसा होता है कि पब्लिक आती रहती है, जाती रहती है, मतलब रुकती नहीं है। तो अब जैसे ये पब्लिक बैठी है ये खा के चली जाएगी, फिर नेक्स्ट पब्लिक 4 बजे तक यहाँ पर ऐसे ही चलता है। और शुरू कब होगा? शुरू बस अभी आधे घंटे में स्टार्ट होने वाला है, तकरीबन 12 बजे शुरू। 12 से लेके 5 बजे तक? 5 तो नहीं, आई थिंक 4:30 तक। अब डिपेंड करता है पब्लिक कब तक होती है। चले सही है, मैं फिर अभी तो खाली खाली सही चीज़ें दिखा लेते हैं। तो यहाँ से आके लोग उठाएंगे खुद ही या वहाँ जाके? पब्लिक लेकर जाएंगे। तीन स्टेशन हैं, और हर सारे मेन्यू सबका सेम ही होगा? तीनों स्टेशन का सेम। ओके, देखें भाई हज़ारों लोगों के लिए शहरी का एहतमाम किया है तो उसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है, खाने पकाने का सारा बंदोबस्त। तो हम यहाँ अभी सिर्फ आपको बाहर से दिखा देते हैं, बाकी तो बाद में होगा तो वो अलग करेंगे। यहाँ लाइटिंग देखें, दरख्तों के ऊपर कैसी लाइटिंग की हुई है और इसके साथ यहाँ छोटी सी मीना बाज़ार सजाई हुई है। तो चल के ये भी देख लेते हैं। भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सोने के हैं यहाँ? आर्टिफिशियल है सोने? सोना माशाल्लाह, हाँ जो पहनेगा वही सोना होगा। देखें भाई यहाँ गहने वगैरह बिक रहे हैं, स्टार लगाए हुए खूबसूरत ज्वेलरी के,
मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुना तबीयत सही? हम 3.5 ईयर यहाँ रहे। हाँ हाँ, और उसके बाद हम चले गए पाकिस्तान। सही किया। नहीं यार, ये ज़िंदगी हमारे उसके काबिल नहीं है, लेकिन हम 20 महीने वहाँ रहे, उसके बाद हम वापस सामने गए, वहाँ की ज़िंदगी हमारे काबिल नहीं। एक दफ़ा आप यहाँ रह लो ना, फिर आप नहीं रह सकते वहाँ पे। मेरे बच्चे ये रोते थे। तो यहाँ एक छोटी सी बाजार सजा दी गई है, और एक तरफ ज्वेलरी है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी इंडियन कपड़े आपको मिलेंगे, और इनकी प्राइस वगैरह भी यहाँ लिखी हुई है। इसके साथ आप देख रहे हो ना कितना एक माहौल बनाया गया है, और बहुत अच्छा छोटी सी मीना बाज़ार। इस तरफ आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा लोगों के आना शुरू हो चुके हैं। पुलिस की भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ आई हैं आज, तो पूरी शुगर लैंड की पुलिस इधर उतरी हुई है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मतलब लग रही है। तो ये छोटी मार्केट, और इसके साथ यहाँ पूरा ये जो जगह है ना, ये सारे इस खुले मैदान में शहरी का बंदोबस्त किया गया। अभी यहाँ देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे दोस्त और ऐसे ऐसी फैमिलीज आ रही हैं जो मेरी वीडियोस भी देखती हैं, और इसके साथ यहाँ शहरी पे उनको आना पड़ा है। तो ये छोटी है हमारी जोहा, और ये आई हैं शहरी करने। कैसे आप लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा है। तो ये क्या हर साल होता है या अभी इस पहली दफ़ा आप आई हैं? आई थिंक एवरी हर साल होता है। तो आप आई हैं इधर शहरी करने? जी, लेकिन आई थिंक हम चलेंगे, बहुत देर हो रही है। अच्छा, तो वीडियो कैसे लगती हैं? अच्छी, बहुत अच्छी हैं, आपके वीडियोस हर वक्त देखती हूँ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उसमें? हर चीज़ जो आप दिखाते हैं, एवरी एरिया ऑफ ह्यूस्टन, बहुत अच्छा लगता है। तो मिस करती हैं कराची को या बस ह्यूस्टन सही है? ह्यूस्टन सही है, because I was born here in Houston, इसीलिए। ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहेंगी? Watch Intiaz Chandia's vlogs, it's really good. Thank you so much. Thank you. मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं? देखा लग रहा है आप यार। बस मैं भी आपको नज़र लग रहा है, आपको भी मैं देखूं। मुस्तफा भाई किधर से हैं? पाकिस्तान, हैदराबाद। हैदराबाद जी, हमारा वाला हैदराबाद जी। अच्छा, कासिमाबाद, लतीफाबाद, सदर, मेन सदर। अच्छा, मेन सदर से। अच्छा, चले अब ये बताएं कि क्यों आए हैं यहाँ? यार ऐसे ही, मैं तो अपने दोस्त को पिकअप करने आया था। अच्छा, सदन को यहाँ से। और ये शहरी के लिए नहीं आए? नहीं, शहरी के लिए हम जाएंगे, एफएम जाएंगे। ये क्या है? फ़ताना मदीना, वहाँ जाएंगे जी। अच्छा। भाई आपका नाम? अब्दुल समी। अब्दुल समी भाई कहाँ से हैं वैसे? मैं पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ। कराची, पाकिस्तान। कराची से। और यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर देखने, माहौल देखने आए। अच्छा, हर साल होता है? हर साल होता है। तो ये सारे दोस्त है ना, इनके लाना पड़ता है हमें। अच्छा जी जी। तो शहरी नाइट मतलब मेरे ख्याल में ऐसी तो और कहीं नहीं हो रही होगी फ्री में इतना ज़्यादा, और शहरी का बंदोबस्त मुफ्त में हो रही है ना, ज़्यादा होती है यहाँ पर। अच्छा, मुफ्त की बात अलग होती है ना। आप भी भाई? मैं शहरी के लिए भी आया हूँ। आपका नाम भाई? गुलफाम। गुलफाम भाई शहरी के लिए आए? शहरी नहीं, मैं तो घूमने आया हूँ यहाँ पे। सब दोस्त यार, उनको खाना खाना था, घर का किचन बंद था घर का, तो हम यहाँ पे आए चक्कर लगाने। सही किया आपने, जबरदस्त। ये तो दोस्तों पे आपने आज मेहरबानी कर दी ना। हाँ, इनके पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं चलो घुमा देता हूँ मैं आप। सही, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या दूसरा? वो एप्पल कार्ड, एप्पल कार्ड। भाई आपका नाम? याकूब। याकूब भाई आप क्या शहरी करने हैं? नहीं नहीं, मैं देखने आया हूँ। ये तो देखने हैं सब, शर्मा क्यों रहे हो? इसलिए कि फ्री का खाना है इसलिए? नहीं, मैं आया ही नहीं हूँ। शर्माना किस बात के भाई? देखो फ्री है वो, तो उन्होंने किया है ना, अगर खर्चा पैसे भी मांगते तो आप दे देते ना। ये इन बुकों को क्लाइंट आया था मैं। अच्छा, ये भी अंकल इसका भी रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शामीर। शामीर, शामीर पूरा नाम बताएं? शामीर जुनेद खान। शामी, शामीर, शामीर, शामीर। बहुत मैं और शामीर भाई, आपका आप कहाँ से हैं? आप पाकिस्तान से? लाहौर और कराची। तो आप यहाँ पे कब मूव है आप? मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन नॉट इन ह्यूस्टन, फ्लोरिडा में। ओह वाओ, सी आई सी, ग्रेट। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम है आपका यहाँ? वाओ बोलना जरूरी था ऐसे, थोड़ा इंग्लिश में था कि यू नो शशका हो गया थोड़ा। अच्छा अच्छा जी, आप यहाँ क्या करने आए? Either? Kuch bhi nahi, but I'm trying to make some friends. Oh, wow. You got some friends? Houston, yeah. He's your best friend. Mera naam Uzair hai. Samir Mundia. Manish. Kidhar se hai? Main hu Karachi se. Karachi. Kaun sa area? Guru Mandir. गुरु मंदिर। तो क्या फ़र्क लग रहा है पाकिस्तान की ज़िंदगी या कराची की और ह्यूस्टन की ज़िंदगी में? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? बस यहाँ पे डॉलर्स मिलते हैं ना यहाँ पे, ज़्यादा काम करते हैं, मज़ा आता है यहाँ। मैं बैंक में करता हूँ। कौन सी बैंक?
अच्छी बैंक है बस। अच्छी बैंक है तो नहीं मतलब डॉलर की वजह से ही सिर्फ आपको यहाँ मजा आता है या और भी जिंदगी और भी चीजों से जिंदगी चलती है? लोग इतने लालची हो गए, डॉलर से मजा आता है, पैसा कमाने आते हैं यहाँ पर। इनको भी ये बंदा ही मेरे साथ काम करता है। भाई खाना वगैरह शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा रश लग चुका है। कोशिश करेंगे आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है यहाँ। अभी भाई ये सारे आप डिशेस देख लें, जो खाने खाने तैयार हो चुके हैं ना वो अभी यहाँ लगना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से तीन चार रो बनेगी, हर किसी की अलग अलग, और ये सारे खाने यहाँ सर होंगे। तो इतनी बड़ी लंबी लाइन है, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इंडियन फैमिलीज़ यहाँ आई हुई हैं, जिनके लिए अभी थोड़ी देर में ये बुफे ओपन हो जाएगा। और इसकी कोई चार्जेज नहीं है, फ्री में ये सहरी नाइट है। तो 12 से लेकर रात को सुबह 5 बजे तक ये चलता रहेगा, और रश जैसे ही जैसे जो है ना बढ़ता भी जाएगा। तो दिखा देता हूँ आपको, और भी आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं, चल के वो दिखाते हैं आपको। इस तरफ अलग है लाइन और उस तरफ अलग है, आगे भी लगी हुई है लाइन। तो तीन चार लाइनें एक साथ ही इन्होंने बंदोबस्त किया है, क्योंकि बड़ा हजूम है और आगे हाईवे भी पूरे कह रहे हैं कि वो पूरा जो है जाम हो जाता है कभी कभी। केड़ो आला ठीक है, शुरू नहीं किया है भैया, आपका इंतजार में है। अभी 1 बजे इतनी बड़ी कवरेज हो रही है, चार चार कैमरे लगे हुए हैं भाई। देखो ये देखो ना, हाँ, कितने खूबसूरत लोग नज़र आ रहे हैं लाइटें लगा के खुद को, माशाल्लाह। हमारे भाई देखो, हाँ हम देखो बगैर मुंह धोए हुए आ गए भाई वाले, देखो किस तरह से माशाल्लाह। इस वक्त आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और पूरे अमेरिका में मेरे ख्याल में इस तरह का सहरी नाइट का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा, तो फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं। और बाहर भी कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं, मतलब पका रहे हैं पकोड़े वगैरह, अंडा आमलेट सब चीज़ें। और इसके साथ यहाँ भी तकरीबन कोई 10 किस्म के जो है ना खाने हैं जो इन्होंने तैयार किए हैं, और वो अभी सर्व होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह के यहाँ खाने हैं मज़ेदार। और लोग जो है ना अभी से ही लाइन में लग चुके हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो खुद होटल के ओनर्स हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो सहरी का बहुत बड़ा इंतज़ाम है, पराठे तैयार हो रहे हैं, पूरियां तैयार हो रही हैं, सब कुछ तैयार हो रहा है। तो देखिएगा भाई पूरा व्लॉग, और ऐसा मेरे ख्याल में प्रोग्राम आपने अभी तक नहीं देखा होगा। बड़ी बात यह है कि इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं ताजुद्दीन साहब, उनसे मैं पूछता हूँ। भाई सर हर साल करते हैं आप सहरी का? हाँ जी हर साल करते हैं, रेस्टोरेंट ओपन हमारी एनिवर्सरी सेकेंड एनिवर्सरी लास्ट मंथ में थी। अच्छा 2 साल हुए हमारे, पर ऐसा था कि जब फर्स्ट ईयर हमने ओपन की थी ना, तो सेकंड मंथ में हमारे पास रमजान महीना था, तो सेकंड मंथ में हमने शहरी शुरू की थी। सो दिस इज थर्ड शहरी की, थर्ड है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा होगा ना पब्लिक के लिए इतना बड़ा शहरी का बंदोबस्त, या है कहीं? नहीं मेरे ख्याल से इतनी बड़ी नहीं होती होगी, छोटी मोटी तो होती होगी, सब जगह पे करते हैं लोग, बट इतनी बड़ी नहीं होती है। लास्ट ईयर भी हमारे पास इतने लोग थे ना, 5,000+ लोग थे, तो यहाँ पर इतनी पार्किंग हुई थी ना लोगों ने कि भाई हमारे पास पुलिस सिक्योरिटी, अभी 5 to 10 सिक्योरिटी गार्ड मंगवाए कि पुलिस डिपार्टमेंट से कि भाई ट्रैफिक को मनूवर करने के लिए। एक्सपेक्टेड कितने लोग हैं? ओवर 5,000 टुडे। आपने क्या क्या तैयार कराए आज इनके लिए? हमारे पास एक्चुअली ऑलमोस्ट 10,000 पीपल का खाना रेडी है। अच्छा, और लाइव जो है, लाइव के लिए भी हमारे जो एग्स है, जो ऑमलेट बन रहे हैं लाइव से, पूरीज लाइव है, पराठा लाइव है, वो सारे लाइव स्टेशन वो भी हमारे मैरिनेट करके रेडी रखा है। और इसके लिए फिर सारा दिन आप तैयारी करते हैं होटल की, जो बाकी कमर्शियल बंद? हमारे पूरा स्टाफ है, हमारे लोग जो हमारे साथ काम करते हैं वो इतने वो है ना कि भाई इन टू है और लविंग है कि भाई हमारे लिए इतने काम करते हैं। हमारे असलम भाई है कि भाई सैयद भाई हो गए कि भाई हमारा शेफ जो सपन हो गए, लोग पूरा दिन ये अभी आज से नहीं शुरू हो रही, मतलब 2 वीक से काम शुरू हो रहा है। अच्छा, पूछना नहीं चाहिए वैसे, सवाब का काम है। कितना खर्चा आ रहा होगा? ओ खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है, अंदाजा तो अभी एक समझ लो कि 5 to 7,000 पीपल को शहरी करानी, मार्केट के अंदर मिनिमम $15 लेते हैं, तो आप एक अंदाजा लगा लो कितना खर्चा आ सकता है। $15 मिनिमम है, 5,000+ लोगों का है, आप काउंट कर लो खाली। या तो मतलब क्या है ना, इसमें कोई डोनेशन भी है? सिर्फ अपनी तरफ? नहीं, अपनी तरफ से कोई डोनेशन नहीं, किसी की डोनेशन थर्ड टाइम है, मैंने किसी का डोनेशन लिया भी नहीं है, और ऊपर वाला करेगा तो कभी लेना भी नहीं है। ये हमारी के गिफ्ट है लोगों के, कि हमें जो कम्युनिटी से मिला है हम रिटर्न कर रहे हैं, वही हमारा, कुछ और नहीं है। असलम भाई आप भी देख रहे हो सारा कुछ? जी बिल्कुल, हम ताज भाई के साथ हैं और सारा देख रहे हैं, सारे इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, और मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कहीं अमेरिका में
इतना बड़ा कोई सहरी का इंतज़ाम कर रहा हो। तो ये तकरीबन 15 दिन से मुसलसल तैयारी हो रही है सहरी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर की तरह इस साल भी आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिस्पांस है। आप जो हमारे मेहमान हैं वो आए हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। स्टॉल्स का इंतज़ाम किया क्योंकि ईद नज़दीक है, लोग चाहते हैं कि बच्चों के साथ शॉपिंग करें, तो वहाँ ज्वेलरी है, कपड़े हैं, वो भी सब फ्री ऑफ चार्ज है। जो स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं, जैसे हम स्मॉल बिजनेस वाले लोग हैं, इसी तरह उनको दिया है अपॉर्चुनिटी ताकि उनको ये सपोर्ट हो कोई चार्जेस के बगैर। हमने उनको दिया। इसके लिए क्या अलग भी स्टाफ हायर करते हैं क्या कुछ इजाफी? जी बिल्कुल, बहुत सारे वॉलंटियर्स भी इसमें आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, कम्युनिटी के लोग हैं, जस्ट टू सर्व द पीपल। ये एक बहुत बड़ा कॉज है सहरी का, तो ये सवाब का काम है, सवाब के इसमें बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ एम्प्लॉइज़ हैं, उनको पेड हैं, मतलब ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि ताकि लोग बहुत आसानी से सहरी कर सकें। कब तक चलेगा? इंशाल्लाह 4:30 बजे तक चलेगा। चलो चले, थैंक यू सो मच। और अभी तो मेला शुरू होने वाला है, खाने भी लग रहे हैं, जैसे जैसे लगेंगे मैं आपको सब दिखाऊंगा कि किस तरह की रौनक होनी है, किस तरह से जो है ना यहाँ लोगों में सहरी का जो है ना खाना तकसीम किया जाएगा, और वो सारा आप देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कहते ना कि बदनज़मी वगैरह, वो मुझे नहीं लग रही, लेकिन बहुत डिसिप्लिन के साथ लोग खड़े हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने पूरे बच्चों के साथ यहाँ आए हैं और कई घंटों से मतलब बैठे हुए थे पहले, और अब थोड़ी देर के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। पूरियाँ वगैरह बन रही हैं, देखें किस तरह से पूरी वगैरह का इंतज़ाम किया गया है, गर्मा गर्म पूरी। चले अभी आपको मैं खाने दिखाना शुरू करता हूँ, किस तरह के खाने तैयार हो चुके हैं। वाओ, ये क्या है? अच्छा चले, और यहाँ मीठा शीरा, चले अभी नाम नहीं लगे हैं, और चने इसके साथ, ये मेरे ख्याल सब्ज़ी है, ठीक है। अच्छा हाँ, हलवा, और यहाँ भी देखें कीमा, दुम कीमा तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा, मलाई, अंडे, और इसके साथ ना पूरी, और यहाँ नान, तो सब सेम होगा मेन्यू हर जगह पे यही। तो ये देखें अभी भाई गर्मा गर्म खाने तैयार हो चुके हैं, तो चाय का बंदोबस्त मतलब स्पेशली किया गया है, ठीक है भाई चले। और अब देखें लाइनें लंबी होती जा रही हैं, इसके साथ इस तरफ भी सेम ही है, मेन्यू सेम रहेगा। अब खाना का स्टार्ट हो चुका है, और अब देखें रश, और सब लोग आएंगे यहाँ से सर्व करना शुरू करेंगे, इन्होंने यहाँ से ये देना शुरू करेंगे। अब देखें रश कितना हो गया है। अब देखते जाएं आप कितना रश है, और अब देखें किस तरह से सर्व किया जा रहा है खाना। ये सहरी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, आप इसकी वीडियो बनाओ, लेकिन वो गेमिंग है ना, थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, इसको मिलेंगे भी तो फायदा नहीं है, सेम टॉपिक पे होना चाहिए। अब आप देखें रश कितना हो चुका है, और इसके साथ आगे भी बहुत सारे लोग आ ही जा रहे हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार लोगों के आने का इम्कान है, अभी तो बढ़ेंगे। और इसके साथ ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये कह रहे हैं कि भाई लोग बढ़ते जाएंगे, और यहाँ चाय का फ्री में बंदोबस्त है, तो चाय यहाँ दे रहे हैं, जिन लोगों को आना है तो वो चाय भी आके यहाँ ले सकते हैं। भाई सहरी नाइट में हमारे पास एक ऐसे एक जो है ना टैलेंटेड नौजवान मिले हैं, अब्बास, तो ये वीडियोस देखते रहते हैं। अब्बास आप क्या करते रहते? मैं थर्ड पार्टी ब्रोकर हूँ, यहाँ पे मेरा अपना खुद का बिजनेस है। तो आप कौन, इसके साथ कम्युनिटी के लिए भी कुछ? जी मैं कम्युनिटी के लिए भी हूँ, मैं काउंसलर हूँ कम्युनिटी का, कुछ भी हो। आपकी वीडियो रोजाना देखते हैं हम आपकी, आई लव हाउ यू कवर एवरी सिंगल पार्ट ऑफ ह्यूस्टन, स्पेशली द देसी कम्युनिटी। ये वाला माहौल मैंने अभी तक नहीं देखा है, जिस तरह से इस तरह यहाँ सहरी का बंदोबस्त किया हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों को देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा है, और ऐसे लग रहा है यार ये तो
इतना बड़ा क्राउड संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ शहरी नाइट और इस तरह की शहरी नाइट देखने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, जिसमें बहुत ज़्यादा जान पहचान वाले लोग भी निकले हैं इसके साथ, पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, हर जगह से यहाँ लोग नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और अभी तक शहरी नाइट की शुरुआत ही हुई है, आधा घंटा मुश्किल से हुआ है और अब आप देख रहे हो लाइनें पीछे कितनी लगी हुई हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा रश है और खाना तकसीम किया जा रहे हैं, इसके साथ मीठा भी है, चाय भी है, सब कुछ है। तो आप देखो बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मेला हो और फ्री में ये सब कुछ हो रहा है। आपको बाहर रश दिखाता हूँ, इस वक्त जो रश है ना वो कितना है और लोग किस तरह से खड़े हैं यहाँ से इस तरफ, और इधर भी लोग खाना लेके आके बैठे हैं और मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। हेलो सर, कैसे? ठीक है, तबीयत सही है? शहरी नाइट सही चल रही है? थैंक यू भाई, थैंक यू। सिंधी टोपी अच्छी लग रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरफ से यहाँ भी फुल है और इधर भी अगर देखें तो पूरी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क की हुई हैं। कुछ तो अभी कह रहे हैं कि इतनी जगह कम पड़ जाएगी कि यहाँ सड़क पे भी जो है ना लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं। अभी रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, सैकड़ों लोग अभी भी बैठे हुए हैं, कई फैमिलीज़ आई हुई हैं और अब तक शहरी नाइट का सिलसिला जारी है। और भाई देखें इंतज़ाम कैसे बढ़े, और तकरीबन इस प्रोग्राम पर एक अंदाज़े के मुताबिक फ़ी पर्सन $15 का खर्चा है। अगर इसको हम डबल भी करते हैं तो तकरीबन भाई कोई 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है पाकिस्तानी करेंसी में, और 40 से 50 हज़ार डॉलर जो है ना इस पर खर्चा किया है इस इंतज़ामिया ने, और इतने सारे लोगों को शहरी करवा रहे हैं, ये बहुत अमेजिंग है। बहरहाल आज का ये माहौल आपने देखा है, कितना अच्छा माहौल है ह्यूस्टन शुगरलैंड में शहरी नाइट का, और इसमें 8 से 9 डिशेस थी। बहरहाल सब लोग जो है अभी भी खाने में मसरूफ़ हैं, तो ये सूरत हाल दिखानी थी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मुझे दे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। थैंक यू सो मच।
तस्कीन कल्ब है दर आजा सलाम ले।